रोबो 2.0 2019 की बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड का मैशअप होगी और सबसे ज्यादा कामयाब होगी क्योंकि इसमें वर्ल्ड की 95% से ज्यादा फिल्मी टेक्निक यूज की गई है। एक सेकंड का छोटा सा पार्ट 9 लेयर से गुजरा है, सबसे पहले क्रोमा शॉट, फिर वर्चुअल और फिर फिजिकल कैमरा से रिकॉर्डिंग, फिर कार्टून ग्राफिक्स। इन सबको बनाने में 328 तरह की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। रोबोट 2.0 के एक सीन की शूटिंग के लिए 8 तरह के कैमरे, टॉप 12 देशों की फिल्मी टेक्निक, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर नासा रोबोटिक तक की इंटेलिजेंस यूज हुई है। कार्टून ग्राफिक्स इंडिया ने की है, VFX हॉलीवुड ने, 3D रोबोट मॉडलिंग नासा के साइंटिस्ट ने की है। ये भारत की ऐसी पहली फिल्म होगी जिसमें वर्चुअल कैमरा फिजिकल कैमरा के अंदर यूज किया गया है। हर सीन को 3D एनिमेशन में शूट करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर ने 3D टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया था, जो पूरे तरीके से इंडियन डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है। इस मूवी को देखते वक्त आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इस मूवी का ज्यादातर पार्ट कंप्यूटर VFX द्वारा बनाया गया है, जो कि नकली है। रोबोट 2.0 में आपको बहुत से एक्शन सीन दिखेंगे जो मैग्नीफाई कैमरा से शूट किए गए हैं, जैसे हैवी बॉम्ब, टैंक, ट्रक। जितने भी आप एक जैसे रोबोट देखोगे वो रियल नहीं है, सभी को 3D मॉडलिंग से फिल्माया गया है। जितने भी आपको हवा में उड़ते सीन दिखेंगे उन सभी को हवा में ग्रीन स्क्रीन पर फिल्माया गया है। किसी जगह पर बिल्कुल रियल पिक्चर लाने के लिए डिजिटल सेट को फिजिकल सेट से ओवरलैप किया गया है, जिसमें पहली बार VFX शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को हजारों रिटेक लेने पड़े। सारे कार्टून सीन में आपको रियल टच देने के लिए लैंड स्कैनिंग का इस्तेमाल किया गया है। लैंड स्कैनिंग जो फिल्म इंडस्ट्री की वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप फिल्म के एक एक सीन को पॉज करके देख सकते हैं और एक भी सीन में कमी नहीं निकाल सकते। आपको लग रहा होगा कि इस मूवी में बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर झूठे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर से बनाए गए हैं। लाल किला और पार्लियामेंट तक सभी VFX पर फिल्माए गए हैं, क्योंकि वहां शूटिंग की परमिशन मिली ही नहीं थी। अगर आप रियल ग्राफिक को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को हॉल में ही देखें।